जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज 113वीं जयंती है। देश के आम आदमी की आवाज बनने वाले शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को यूपी के मुगलसराय में मुंशी शारदा प्रसाद और दुराम दुलारी देवी के घर हुआ। 18 महीने की उम्र में ही शास्त्री जी के सिर से पिता का साया उठ गया और संघर्ष भरे बचपन के बीच शास्त्री जी पढ़ाई के लिए काशी आए। यहां काशी विद्यापीठ से उन्होंने पढ़ाई पूरी की। 1927 में ललिता देवी जीवन संगिनी बनी। स्वाधीनता संग्राम के लिए 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में शास्त्री जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजाद भारत में इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से सांसद बने। गोविंद बल्लभ पंत सरकार में परिवहन मंत्री चुने गए। अपने कार्यकाल में महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की। जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद साफ सुधरी छवि के कारण शास्त्री जी को 9 जून 1964 को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। उनके शासनकाल में 1965 का भारत पाक युद्ध शुरू हुआ। देश की जनता और जवानों को पाकिस्तान के खिलाफ मनोबल देने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जवानों पर शास्त्री जी के भरोसे का ही परिणाम है कि युद्ध में जीत मिली। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। संगीता सिंह, नवोदय टाइम्स।